मुसीबत या परेशानी आम जिंदगी का हिस्सा है। इन परेशानियों से कैसे बाहर निकला जाए, या यूं कहें कि परेशानियों को कैसे अपने से दूर किया जाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबतों और परेशानियों से डर जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो उनका डटकर मुकाबला करते हैं और अंततः जीत उनकी ही होती है। तो आज मैं कहानियों की कड़ी में आपको कुछ ऐसी ही सीख देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रणजीत कुमार। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को और भी आसानी से समझते हैं। एक नदी के किनारे एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। एक बार उस नदी में बाढ़ आ गई, पूरा जंगल पानी में डूब गया। सारे पंछी पेड़ की डालियों पर बैठ गए। हाथी घोड़े जैसे बड़े जानवरों को कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन जंगल के छोटे जानवरों का बुरा हाल था। आखिर जंगल के राजा शेर ने नदी किनारे जाकर अपने दोस्त मगरमच्छ को आवाज लगाई। भाई मगरमच्छ, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो कृपया कर बाहर आकर मेरी मदद करो। शेर की आवाज सुनकर एक विशालकाय मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। तब शेर ने उससे मदद मांगते हुए कहा कि जंगल में नदी का पानी भर गया है और छोटे जानवरों पर मुसीबत आ गई है। मगरमच्छ कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नदी के उस पार एक पहाड़ी है। मैं सारे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पहाड़ी तक पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और जंगल के सारे छोटे जानवरों को नदी किनारे इकट्ठा होकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाने को कहा। शेर की बात सुनते ही एक एक करके भेड़, लोमड़ी, सियार, बकरी, बिल्ली, खरगोश, सुअर सब उस लंबे चौड़े मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गए। अंत में शेर भी बीच में आकर बैठ गया। जब मगरमच्छ ने पानी में तैरना शुरू किया तो अचानक बकरी घबरा कर चिल्लाने और कूदने फांदने लगी। मगरमच्छ ने उसे शांति से बैठे रहने को कहा, लेकिन बकरी मारे डर के इधर उधर उछलती रही, जिससे मगरमच्छ का संतुलन बिगड़ने लगा। सारे जानवर परेशान हो गए कि कहीं बकरी के कारण वे सब पानी में गिरकर डूब न जाएं। आखिर पास बैठे सियार ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बकरी को एकदम शांत कर सकता हूं। शेर ने तुरंत आज्ञा दे दी। सियार धीरे धीरे बकरी के पास आया और उसे धक्का देकर नदी के पानी में गिरा दिया। बकरी पानी में गिरकर छटपटाने और चिल्लाने लगी। उसे तैरना नहीं आता था, वो गहरे पानी में डूबने लगी। तब सियार ने मगरमच्छ से बकरी की पूंछ पकड़कर उसे वापस पीठ पर चढ़ा लेने की विनती की। मगरमच्छ ने ऐसा ही किया। पीठ पर चढ़ते ही बकरी ने राहत की सांस ली और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। तब शेर ने सियार को शाबाशी देते हुए पूछा, ये बकरी इतनी शांत कैसे बैठ गई? सियार ने हंसकर कहा, महाराज, अब तक उसे ज्ञान नहीं था कि वो कितनी सुरक्षित है। पानी में गिरते ही उसे पता लग गया कि डूबना क्या होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें डरना नहीं चाहिए और हर मुसीबत का हल शांति से निकालना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ज्ञानप्रद कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और बढ़ाइए अपना ज्ञान। नमस्कार।